हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि सही प्रश्न करने पर 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा और अधिकतम समय होगा 3 घंटे का और अधिकतम अंक मिलेंगे 600। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। भारत में भूमि का क्षेत्रफल है, इसके ऑप्शंस हैं 329 मिलियन हेक्टेयर, 269 मिलियन हेक्टेयर, 297 मिलियन हेक्टेयर और 159 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर है 297 मिलियन हेक्टेयर। हाइड्रोपोनिक है, ए बिना मृदा के पौधों की खेती, बी बिना मृदा के घास की खेती, सी बिना मृदा के वनों की खेती और डी है बिना मृदा के सब्जी की खेती। तो इसका सही आंसर है बिना मृदा के पौधों की खेती। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल का समूह है धान, गेहूं, चना, मटर, धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार, कपास, कहवा, अंडी, चाय, चना, चाय, अरहर, मटर। तो इसका सही आंसर है, खरीफ फसल का समूह है बी, धान, मूंगफली, मक्का और ज्वार। चौथा क्वेश्चन है, बागानी फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, जूट, चना, मटर और लास्ट वाला ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, रबर और नारियल। तो बागानी फसलें हैं, इसका आंसर है डी, चाय, कॉफ़ी, रबर और नारियल। पांचवा क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। ऑप्शन ए है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, बी है 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा और 7 से 20 डिग्री सेल्सियस, 150 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। भारत में गन्ने का सबसे अधिक पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है दुग्ध विकास से। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ए है विज्ञान में, पशुपालन में, फिल्म में या फिर कृषि में। तो इसका आंसर है बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई, इसके ऑप्शन हैं 1946, 1945, 1944 या फिर 1947। तो इसका आंसर है 1946, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक अम्लीयता को नष्ट करता है, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या फिर डीएपी। तो इसका आंसर है अमोनियम फास्फेट। किस अवस्था पर पौधों को पानी उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर है 1/2 बार के ऊपर, 15 बार पर, 1/3 से 15 बार के मध्य या फिर 15 बार के ऊपर। तो इसका आंसर है 1/3 से 15 बार के मध्य। बीज जनित रोग है मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का रेड राट रोग, आलू का पछेती झुलसा या फिर आलू का अगेती झुलसा। तो इसमें बीज जनित रोग है गन्ने का रेड राट रोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका आंसर है गुजरात। गेहूं की असिंचित क्षेत्र के लिए, गेहूं की असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है, इसका आंसर है सभी। कौन कौन से हैं गेहूं के लिए असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्में हैं, K65, C306 और प्रताप, ये तीनों किस्में हैं जो असिंचित क्षेत्रों में बोई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में धान की किस्म है, निम्न में धान की किस्म है, रत्ना, शेखर, आज़ाद या फिर जयराज, इसका आंसर है ए, धान की किस्म है रत्ना। मटर का उपकुल है, मटर का उपकुल है लेग्यूमिनेसी, पेपिलियोनेसी, यूफोरबियसी और लाइनेसी। मटर का उपकुल है पेपिलियोनेसी। ट्रिटिकल्स का उत्पत्ति स्थान है, ट्रिटिकल्स का उत्पत्ति स्थान है चीन, भारत, स्वीडन या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर है ट्रिटिकल का उत्पत्ति स्थान भारत है, इसका बी वाला आंसर सही है। रोज सेंटेड प्रजाति है, लीची की, बेर की, केला की, सेब की और या फिर अमरूद की। रोज सेंटेड प्रजाति है लीची की। अजोला किससे मिलकर खाद का कार्य करता है, अजोला किससे मिलकर खाद का कार्य करता है, हरा नीला शैवाल, जीवाणु, कवक या फिर विषाणु, तो इसका आंसर है हरा नीला शैवाल। पौधे प्रायः नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, एमाइड के रूप में या फिर नाइट्राइड के रूप में। पौधे प्रायः नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, बी वाला आंसर सही है। भारत की मुख्य खाद्य फसल है, भारत की मुख्य खाद्य फसल है गेहूँ, मक्का, चावल या फिर गन्ना, तो इसका आंसर है भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या फिर केवल 50 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है 112 सेंटीमीटर। धान की पानसुख बीमारी किसकी कमी से होती है, धान की पानसुख बीमारी किसकी कमी से होती है, जिंक, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रेट, तो इसका आंसर है धान की पानसुख बीमारी नाइट्रोजन की कमी से होती है। ज्वाला प्रजाति है, ज्वाला मिर्च की, टमाटर की, भिंडी की या फिर मक्का की, ज्वाला प्रजाति है मिर्च की। भारत किस फसल का मूल स्थान है, बैंगन, मक्का, धान या फिर मिर्च, बैंगन का। भारत किस फसल का मूल स्थान है, बैंगन का। पूसा मंजरी प्रजाति है, मिर्च, तरोई, लौकी या फिर करेला, पूसा मंजरी लौकी की प्रजाति है। आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 25 से 30 क्विंटल, आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 25 से 30 क्विंटल। टिक्का रोग किस फसल का मुख्य रोग है, मूंगफली का। टिक्का रोग किस फसल का मुख्य रोग है, मूंगफली का। उपास 120 किस्म है, उपास 120 किस्म है अरहर की। कैफीन किससे प्राप्त होता है, कैफीन किससे प्राप्त होता है, कैफीन कॉफ़ी से प्राप्त होता है। मृदा का निर्माण किस प्रकार आदि का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है, मृदा का निर्माण या फिर प्रकार आदि का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है पेडोलॉजी। लवण के प्रति सहनशील फसल है, लवण के प्रति सहनशील फसल है जौ। जिप्सम में पाया जाता है, जिप्सम में पाया जाता है कैल्शियम और सल्फर। सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। थर्मोजेनिक मृदाएं किन मृदाओं को कहते हैं, थर्मोजेनिक मृदाएं किन मृदाओं को कहते हैं, ऊसर, अम्लीय, लेटराइट्स या फिर पार्डजाल्स। थर्मोजेनिक मृदाएं किन मृदाओं को कहते हैं, तो इसका आंसर है लेटराइट्स। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का कितना क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का कितना क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर है 61%।
कमला कीट किस फसल से संबंधित है? कमला कीट किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर है मक्का। बहुवर्षीय खरपतवार है? बहुवर्षीय खरपतवार है जंगली गाजर, जंगली गोभी, लटजीरा या फिर बथुआ। तो इसका आंसर है लटजीरा। टू फोड़ी रसायन है खरपतवार नाशक। उत्तरी भारत में मटर की बुआई करते हैं, उत्तरी भारत में मटर की बुआई करते हैं अक्टूबर से नवंबर माह में। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है 0.05 से 0.10%। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता की। कानपुर कल्टीवेटर में साबल की संख्या होती है, कानपुर कल्टीवेटर में साबल की संख्या होती है 5। डिस्क हैरो की कार्य क्षमता प्रतिदिन है, डिस्क हैरो की कार्य क्षमता प्रतिदिन है 15 से 20 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में एग मार्क की शाखा स्थित है, उत्तर प्रदेश में एग मार्क की शाखा कानपुर में स्थित है। डॉक्टर एस बी सिंह ने किस यंत्र की खोज की, डॉक्टर एस बी सिंह ने किस यंत्र की खोज की? डिबलर की। आम की लौ का रंग 265 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आग की लौ का रंग 200 डिग्री सेल्सियस पर होता है बैंगनी रंग का। कुट्टी काटने की मशीन बनी होती है, कुट्टी काटने की मशीन बनी होती है ढलवा लोहे की। बिना जुती हुई भूमि का चिकना लंबवत व भाग जो लैंडस्लाइड से छूता है उसे कहते हैं। बिना जुती हुई मिट्टी का चिकना लंबवत भाग वह भाग जो लैंडस्लाइड से छूता है उसे कहते हैं कोण दीवार। यंत्रों का खिंचाव मापते हैं, यंत्रों का खिंचाव मापते हैं डायनामोमीटर से। भू परिष्करण का उद्देश्य है, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य है खरपतवार उन्मूलन। किस गियर्स की शाफ्टें समांतर रह होती हैं, किस गियर्स की शाफ्टें समांतर होती हैं इस पर की। स्विंग बास्केट किसको कहते हैं, स्विंग बास्केट किसको कहते हैं? बीड़ी को। डिबलर द्वारा प्रतिदिन कितना क्षेत्र बोया जा सकता है, डिबलर द्वारा प्रतिदिन 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र बोया जा सकता है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में बीजों को प्रबंधित किस प्रकार होता है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में बीजों को बोने का प्रबंध किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर है फ्लूट टैंड रोलर टाइप। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है बर्बरी। प्रति 100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है, हरियाणा राज्य में। भैंस सबसे अधिक गर्भधारण करती है कब, बरसात में करती है। एक भेड़ से औसत ऊन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है, एक भेड़ से कितना औसत ऊन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है? 1 किलोग्राम। गाय की गर्भावधि होती है, गाय की गर्भावधि होती है 283 दिन की। लैक्टोमीटर द्वारा दुग्ध का आपेक्षिक गुरुत्व मापा जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा दुग्ध का आपेक्षिक गुरुत्व मापा जाता है 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। रानीखेत बीमारी लगती है, रानीखेत बीमारी लगती है मुर्गी में। दुग्ध में औसतन पानी की मात्रा होती है, दुग्ध में औसतन पानी की मात्रा होती है 80 से 90%। भदावरी भैंस का दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति व्यांत 300 दिनों में है,
जो भदावरी भैंस की नस्ल है, दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति व्यात 310 दिनों में है 450 से 800 लीटर। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त दुग्ध में वसा की मात्रा अलग अलग होती है, घटते क्रम में कौन सा समूह सही है? तो इसका आंसर है ए वाला, भैंस, बकरी, गाय और मानव। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। प्लास्टिक क्रीम में वसा का प्रतिशत होता है, प्लास्टिक क्रीम में वसा का प्रतिशत होता है 80%। दुकाजी नस्ल की गाय है हरियाणा। मोंटगोमरी पाकिस्तान मूल स्थान किस गाय का है? तो इसका आंसर है साहीवाल। भेड़ की विदेशी नस्ल है मेरिनो, लिंकन, रेम्यूलेट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भेड़ की विदेशी नस्ल है मेरिनो, लिंकन, रेम्यूलेट। जर्सी गाय के दूध में वसा होती है, 5.5%। मेहसाना नस्ल की भैंस का जन्म स्थान है, मेहसाना भैंस की जो नस्ल है उसका जन्म स्थान है गुजरात। गाय के शरीर का औसतन तापमान है, -101.5°F। बकरी की श्वास गति प्रति मिनट है, 14 से 22। भेड़ ब्यात के कितने दिन बाद ऋतुमयी होती है? तो इसका आंसर है 4 से 6 माह बाद। एक पशु के सींग पर 8 छल्ले हैं, उसकी उम्र क्या होगी? 10 वर्ष। इसका ए वाला आंसर सही है। पास्चियोरेला विविसेक्टिका नामक जीवाणु से गलघोंटू रोग किस पशु में होता है? ए भेड़, बी बकरी, सी गाय और डी भैंस। तो इसका आंसर है गाय में। मेस्टिटिस रोग से प्रभावित होता है आयन। DGTV वैक्सीन का टीका किस रोग में लगवाना चाहिए? तो इसका आंसर है बी वाला, पशु प्लेग। पशुओं में सभी कृंतक दंत कितनी उम्र तक निकलते हैं? पाँच वर्ष तक। अस्थायी कौन कृंतक दंत किस आयु पर निकलते हैं? तो इसका आंसर है 21 से 28 दिन पर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? इज्जत नगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है? प्रजनन से। इसका ए वाला आंसर सही है। भैंस के दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, हंसा टेस्ट का। गेहूं के भूसे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 46%। 10 लीटर से आंशिक दूध लेने वाली गाय को कितनी बार धोना चाहिए? 10 लीटर से आंशिक दूध देने वाली गाय को एक दिन में कितनी बार धोना चाहिए? तो इसका आंसर है 3 बार। अंडों को किस तापमान पर भंडारित करना चाहिए?
इसका आंसर है 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है? किस दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है प्रथम दूध में। गाय दूहने की सबसे अच्छी विधि है? गाय दूहने की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त विधि। दूध से दही बनाने के लिए जीवाणु मिलाए जाते हैं? दूध से दही बनाने के लिए जीवाणु मिलाए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। एक भैंस 10 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है, उसे कितना आहार देना चाहिए? एक भैंस 10 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है, उसे कितना आहार देना चाहिए? 4 किलोग्राम। 500 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय को कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? 500 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय को एक दिन का कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? तो इसका आंसर है 12 किलोग्राम। बच्चे को ब्याने के कितने दिन तक खीस देते हैं? बच्चे को ब्याने के कितने दिन तक खीस देते हैं? तो इसका आंसर है 3 दिन तक। भैंस के अयन प्रभाग के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं? जो भैंस के अयन प्रभाग है उसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। मोटे चारे में रेशे की मात्रा पाई जाती है? मोटे चारे में रेशे की मात्रा पाई जाती है 18%। लंबे एवं लटकते हुए कान किस बकरी के होते हैं? लंबे एवं लटकते हुए कान किस बकरी के होते हैं? जमुनापारी। किस नस्ल की गाय की आंखें अंडाकार होती हैं? किस नस्ल की गाय की आंखें अंडाकार होती हैं? नैलोर। एम्पी चरी किस्म है ज्वार की। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? कोलाइडल रूप में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आत में रहने वाला कौन सा कृमि शरीर में त्वचा द्वारा प्रवेश पाता है? मनुष्य की आत में रहने वाला कौन सा कृमि शरीर में त्वचा द्वारा प्रवेश करता है? तो इसका आंसर है हुक वर्म। ट्रैकोमा बीमारी है नेत्रों की। मधुमक्खियां भोजन मिलने पर उसकी सूचना आपस में किस प्रकार देती हैं? मधुमक्खियों को भोजन मिलने की सूचना आपस में किस प्रकार देती हैं? इसका आंसर है ए वाला, उड़ान भरकर। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12। डी वाला ऑप्शन सही है। प्रोटीन को गर्म करने पर बदलता है? जब हम लोग प्रोटीन को गर्म करते हैं तो वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। गुणसूत्र किस रचना होती है? गुणसूत्र की रचना होती है DNA तथा प्रोटीन से। किसमें कैलोरी प्रति ग्राम सर्वाधिक होता है? वसा में, प्रोटीन में, ग्लूकोज में या फिर कार्बोहाइड्रेट में? तो इसका आंसर है वसा में। इनमें से कौन सा समूह समतापी जंतुओं का है? इनमें से कौन सा समूह समतापी जंतुओं का है? इसका आंसर है पहला ऑप्शन है ह्वेल, कबूतर, चमगादड़, ये समतापी जंतुएं हैं। विज्ञान की नई तकनीक जो नए जीवों के विकास में सहायक है कौन सी है? विज्ञान की नई तकनीक जो नए जीवों के विकास में सहायक है वह है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्फ्लुएंजा तथा डिफ्थीरिया काली खांसी के लिए कौन सा उत्तरदायी है? इन्फ्लुएंजा तथा डिफ्थीरिया काली खांसी के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है सी, विषाणु एवं जीवाणु। विटामिन कौन सा कार्य नहीं करता? विटामिन कौन सा कार्य नहीं करता? इसका आंसर डी, शरीर के अवयवों का निर्माण। लीवर में कौन सा विटामिन एकत्रित होता रहता है? लीवर में कौन सा विटामिन एकत्रित होता रहता है? तो इसका आंसर है थायमिन। ELISA टेस्ट किस रोग को ज्ञात करने में करते हैं? तो इसका आंसर है एड्स। किस पक्षी में चोंच में दांत होते हैं? किस पक्षी के चोंच में दांत होते हैं?
आर्कियोप्टेरिक्स यीस्ट द्वारा होता है, यीस्ट द्वारा होता है यूकैरियोट। खाने योग्य प्रोटीन के दो सबसे उत्तम स्रोत हैं, खाने के प्रोटीन के दो सबसे उत्तम स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, कोकून से एक नन्हा केंचुआ लगभग कितने दिनों बाद निकलता है? तो इसका आंसर है 70 दिन बाद। निम्न में से कौन सा कीट आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है? मधुमक्खी, लाख कीट, रेशम कीट, तितली। तो इसका आंसर है तितली। प्लीहा का संबंध है रुधिर तंत्र से। मेंढक में अधिकांशतः श्वसन क्रिया होती है, मुख गुहा द्वारा। रेप्टिलिया वर्ग में निम्न में से कौन सा प्राणी नहीं आता? कंगारू। आधुनिक तथा प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार प्राणी जगत को कितने संघों में बांटा गया है? 23 संघों में। रात्रि में ही बाहर निकलने वाला पक्षी है उल्लू। ना उड़ने वाला पक्षी है गिद्ध। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का अध्ययन करने वाली शाखा है, हर्पेटोलॉजी। केचुआ में मादा जनन छिद्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है सी वाला, एक। मृग मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट। गृह मक्खी जो होती है, जो घर में मक्खी पाई जाती है, उसका लार्वा होता है मैगेट। रुधिर का थक्का जमने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? लैक्सियम। रुधिर का थक्का जमाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। खरगोश में दांत होते हैं थीकोडोंट। यूरिया का संवहन कौन करता है? रुधिर प्लाज्मा। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसमें होती है? साइटोप्लाज्मा में होती है। किसमें रक्त ऑक्सीजन का वाहक नहीं होता? तिलचट्टा में। रुधिर दाब नियंत्रित करता है एड्रिनल। अमीबा में पाचन होता है अंतराकोशी। काकरोच की फाइलिक ग्रंथि मुख्यतः सहायक है स्पर्मेटोफोर बनाने में। सिल्क उद्योग कहलाता है सेरिकल्चर। मेंढक में कायांतरण के लिए उत्तरदायी है थायराइड। कोशिका का बिजली घर कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर कहलाता है माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल पाए जाते हैं डाइजोफोरा में। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। डोसेरा है कीट बच्छी पौधा। सबसे अधिक ऊर्जा किस फल से मिलती है? केला से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वाष्पोत्सर्जन किस समय होता है दिन में। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन संग्रह किसमें होता है? जड़ में। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की थी?
इंजनहाउज ने निम्न में से कौन सा कवक खाने योग्य होता है? एगारिकस। साबुदाना प्राप्त होता है साइकस से। ऊष्मा उत्पन्न होती किण्वन से। बीज अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी वस्तु उपजात के रूप में प्राप्त होती है? CO2। कौन सा उर्वरक फलीदार पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? लेगहीमोग्लोबिन। कार्बन चक्र में सही क्रम है उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। एक पादप कोशिका में परासरण दाब बराबर होता है विसरण दाब स्फीति द्वारा। मालवेसी कुल के पौधों में परागकोष होते हैं। प्रष्ठलन बायमुखी एक कोष्ठी। साइकस में परागकण किसके माध्यम से होता है? प्रोटोजाइलम द्वारा। C4 पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना की अंधकार अभिक्रिया में प्रथम स्थिर उत्पाद है ऑक्जेलो एसिड। आयोडीन के निर्माण में उपयुक्त शैवाल है लेमिनेरिया। मटर का पुष्प क्रम है रेसिम। क्रेब्स चक्र शुरुआत होती है पाइरुविक अम्ल से। बहुवेधि वृक्ष है चीड़, अशोक और देवदार, ये बहुवेधि वृक्ष हैं। पीपल की जड़ें पुस्ता जड़ें होती हैं। सरसों का फल सिलकुआ प्रकार का होता है। सोलेनेसी कुल का जायंग होता है द्विअंडपी। गेहूं की पत्ती की आकृति होती है रेखाकार। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में होता है जल के अणुओं का अपघटन। कोकेन प्राप्त की जाती है सिनकोना से। हीरा विद्युत का कुचालक है। पोटेशियम का परमाणु भार है 39.1। कशिश का तेल है H2SO4। नवसादर और नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। स्टार्च आयोडीन के साथ रंग देता है नीला रंग। वायुमंडल में नाइट्रोजन की 77% मात्रा है। गंधक किसमें घुलनशील है? CH2, HCl, H2O2 या फिर H2S? तो इसका आंसर है ए, CH2। जंग लगने से मूल पदार्थ का भार घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है बी, जंग लगने पर मूल पदार्थ का भार बढ़ता है। पाइराइड एक है यौगिक। आयनिक बंधन किसमें नहीं पाया जाता? मीथेन में। सीमेंट का मुख्य घटक है चूना। दूध से दही बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है 2CSO4। सूती कपड़े को विरंजित करता है SO2।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H2N। C6H14 सूत्र है हेक्सेन का। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर बनता है यूरिया। हवा में जलने वाला पदार्थ है फास्फोरस। तांबा व टीन की मिश्र धातु है कांसा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। फोटोग्राफी व फिल्मों में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। आक्सीकारक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, आक्सीकारक पदार्थ को किसको ग्रहण करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस है। यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या है 92। ऑक्सीजन गैस के आविष्कारक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के आविष्कार हैं सीले एवं प्रिस्टले। वैद्युत अपघट्य है अम्ल, लवण, क्षार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चांदी का गलनांक है 321.108 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है हाइड्रोजन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। रबर किस में विलेय है? नेफ्था में। LPG मिश्रण है प्रोपेन का, ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का या फिर उपरोक्त सभी का। तो LPG मिश्रण है उपरोक्त सभी का। स्टूडेंट, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।